दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट का जो दूसरा एक्ट है। पहले तो आपको पता होगा काउंसिल एक्ट 1861 में हुआ था, और उसके बाद जो है 1892 में काउंसिल एक्ट हुआ था, जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पे क्या हुआ मैं आज डिस्कशन करूँगा आपके साथ। पहला चीज़ है, इस एक्ट के अंडर क्या हुआ, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन ऑफिशियल मेजर्ट। इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए। बात यह है कि जो आपका सेंट्रल काउंसिल था और प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वहाँ पे एडिशनल मेंबर का इंक्रीज हो गया, ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल थे, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी उसमें बरकरार रहा। मतलब कुल मिला के ये आप सोच सकते हैं कि भाई जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में बढ़ा दिया गया। और दूसरा पॉइंट है, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव्स। मतलब जो डिस्कशन बजट या बजट का जो डिस्कशन अब शुरू हो गया। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बजट होता क्या है। देखिए, बजट जो है 1860 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो याद रखिए 7 अप्रैल 1860 में ये बजट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन बजट जो डिस्कशन 32 साल के बाद 1892 में शुरुआत हुआ, कहाँ पे, काउंसिल पे। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो बजट है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये बजट जो शुरुआत हुआ 1860 में, पहले तो ये डिस्कशन करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन जो काउंसिल एक्ट 1892 है, पहली बार बजट डिस्कशन करने का जो अधिकार है, जो मौका है, मेंबर्स को मिला। और साथ ही साथ और दूसरे क्वेश्चन भी जो एग्जीक्यूटिव को मतलब आंसर देने का जो है वो भी शुरुआत हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वहाँ पे वाइसराय क्या करेंगे, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट भी करेंगे, ठीक है, लेकिन रेकमेंड कौन करेगा, जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रेकमेंड करेंगे वाइसराय को, और वाइसराय नॉमिनेट करेंगे जो मेंबर होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वो इस ठीक उसी तरह से जो प्रोविंस था, जो स्टेट था, वहाँ पे गवर्नर भी क्या करेंगे, नॉमिनेशन कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर लोगों को। लेकिन कौन रेकमेंड करेगा गवर्नर को, गवर्नर को रेकमेंड करेंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, ज़मींदार होंगे, ये सारे जो थे वो गवर्नर को वो रेकमेंड करेंगे, और गवर्नर काउंसिल को नॉमिनेट करके मेंबर्स को भेजेंगे। जैसे कि आपको पता होगा आज के डेट में भी राज्यसभा को 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और 2 मेंबर जैसे लोकसभा को नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को कहाँ नॉमिनेट करेंगे, लोकसभा को प्रेसिडेंट, और वही प्रेसिडेंट राज्यसभा को भी 12 जन, जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, वो जो डिफरेंट फील्ड में अच्छे एक्सपर्ट हैं उनको नॉमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका 1892 का जो काउंसिल एक्ट था, इसको अच्छे से आप याद रखना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है यहाँ पे एक चीज़, जो इलेक्शन जो शब्द है अभी तक यूज नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब जो इलेक्शन का शब्द जो है 1892 का जो काउंसिल एक्ट है कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। भले इलेक्शन का बात हुआ है, इलेक्शन भी हुआ है, सारे कुछ काम हुआ है इलेक्शन रिलेटेड, लेकिन चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में कोई भी शब्द
1892 काउंसिल एक्ट में आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं क्वेश्चन भी आ सकता है, द वर्ल्ड इलेक्शन इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इनमें से कौन से एक्ट में चुनाव या इलेक्शन के बारे में जिक्र या मेंशन नहीं किया गया है, तो 1892 काउंसिल एक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।